नमस्कार, शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे टोफू की सब्जी, यानी सोयाबीन का जो पनीर होता है उसकी सब्जी बनाएंगे। अच्छा, अब हमने 200 ग्राम टोफू है हमारे पास में, और उस टोफू को हमने अच्छे से धो के और अच्छे से ऐसे हाथ से ऐसे दबा के इसको पानी को सारा निकाल दिया है। इसको धोना, बहुत साफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसको थोड़े से गुनगुने पानी में एक बार थोड़ा सा डिप करके रख दें और उसको उस पानी को अच्छे से इसको दबा के प्रेस करके निकालते हैं। अच्छा, सेकंड बात, अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे। पहले हम कढ़ाई में गैस पे रख दी, इसको हम थोड़ा सा, हमने इसमें एक चमचे के बराबर तेल डाला है। अब मैं मूंगफली का तेल डाल रही हूँ, आप जो भी यूज करते हैं वो आप तेल यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब इस टोफू को थोड़े से पीसेज में कट करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करूंगी मैं, जिससे इसको फ्रेश हो जाए अच्छे से। ये थोड़े पीस में काट लो इसको, ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं इसके, और ना ज़्यादा बड़े, मीडियम साइज के पीस कट करने हैं। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ कढ़ाई में, हल्का सा ऐसे। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है मेरा, अब मैं इनको इसमें रख देती हूँ एक एक करके पीस को, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे इसमें डालने से अच्छे ये, और अच्छे लगते हैं, थोड़े से सिक जाते हैं, तो उसके बाद में जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये सब्जी बहुत पौष्टिक होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है, और बहुत फायदेमंद है हर एक किसी के लिए। सबको डाल दिया, अब हल्का सा हम इनको पलट देंगे दोनों तरफ से, लाइट ब्राउन तक सेकेंगे, ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। गैस हमारी सिम ही है अभी, हमने गैस को तेज नहीं किया है। उसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च लिए, देखिए ये मैंने ऐसे एक शिमला मिर्च को काट लिया है, एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च थी, तीन हरी मिर्ची को कट कर लिया है, और एक ही गाजर लिए मैंने, एक गाजर को कट किया है, और दो प्याज लिए हैं मीडियम से भी छोटी दो साइज की इसके लिए, और दो मैंने टमाटर लिए हैं इसके लिए। ये मैं अभी इनको चॉप करूँगी, थोड़ा धनिया, बस इतनी ही चीज़ें हमें डाल। अब टॉप से इनको हल्का हल्का सेक लेना है, ज्यादा लाल ज्यादा ब्राउन ब्लैक नहीं करना है, ये ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, पनीर हो गया है, अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ एक सेकंड के लिए। देखिए ये हमारा पनीर बिल्कुल, देखिए ऐसा हुआ है, बिल्कुल लाइट लाइट, कितना फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। लाइट बिल्कुल इसको करना है, बिल्कुल ज्यादा डार्क नहीं करना। अब मैं देखिए, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा देखने, ये नज़दीक से मैं दिखाती हूँ, ऐसा इसको सेकना, इससे ज़्यादा नहीं डार्क करना। अब इसको हमने बिल्कुल सिंपल और अच्छी हेल्दी तरीके से सब्जी बनाएंगे इसके। गैस को सिम कर दें, एक चम्मच मैंने जीरा डाल दिया इसके अंदर, और मुझे ये प्याज जो है, ये गाजर को भी सॉफ्ट करना है मेरे को, तो मैं गाजर डाल देती हूँ पहले, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार है सब सब्जियों से, तो पहले हम गाजर को सॉफ्ट कर लेते हैं इसके अंदर। थोड़ी सी गाजर भी तेल, अगर हम ऑयल में गाजर को डालते हैं किसी भी चीज़ें बनाते हैं तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं लेती है। गाजर डालती अभी, जैसे ही हल्का सा कुछ लगेगा कि हाँ हो गया, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें डालूंगी। देखिए अभी गाजर हमारी हल्की सी हो गई है, हल्की हल्की हुई है, अभी हम साथ में इसके डाल देते हैं प्याज, हमें प्याज को भी भूनना है। सभी सब्जियाँ हमें सॉफ्ट करनी है अभी इसी के साथ में, स्टार्टिंग में ही। हम प्याज को भून लेंगे अच्छे से, हमने नमक डाल दिया है इसमें, थोड़ा इसको जल्दी कुक करने के लिए नमक से चीजें डाल देते हैं। अपने हरी मिर्ची डाल दी और हमने शिमला मिर्च भी डाल दी, शिमला मिर्च बहुत जल्दी कुक हो जाती है। सब्जी जैसे मिक्स कर देते हैं, हेल्दी भी रहेगी, पौष्टिक भी रहेगी और टेस्टी भी रहेगी।
तो देखिए हमें गैस में मैं थोड़ी सी इसमें मटर भी डाल रही हूँ, एक मुट्ठी के बराबर, एक मुट्ठी मटर डाल रही हूँ ज़्यादा। सब सब्जियों को हम इनको थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। डाल लेती हूँ टमाटर, जिससे ये टमाटर का जूस भी होगा इसके अंदर, उससे भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा ये सब्जी सारी। दो टमाटर लिए थे मैंने आपको दिखाए थे, इनको हमने ऐसे ही सॉफ्ट कर लिया। आ जाए अब हम बाकी मसाले इसमें ऐड कर देंगे टमाटर के साथ। इतनी कम कम चीज़ें ली है मैंने, इतनी सब्जी काफ़ी सारी बन के तैयार हो जाती है। कुछ थोड़ी थोड़ी बस, एक छोटी वाली शिमला मिर्च ली है, एक छोटी वाली गाजर है, दो छोटी छोटी प्याज है, एक मुट्ठी ली मैंने समझो कि एक मुट्ठी के बराबर मैंने मटर ली है, ये हो गया। और 200 ग्राम मेरा टोफू था छोटी चम्मच है मेरी, मसालदानी वाली रहती है मैं उसी से डालती हूँ, तो दो चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है, तो ये भी एक एक चम्मच डाल दी मैंने लाल मिर्च सूखा, धनिया पाउडर दो तीन चम्मच डाल दिया मैंने, मिर्च डाला इसमें सबको मिक्स करके। अब हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे इसमें, क्योंकि नमक हमने बहुत ही कम डाला है पहले, तो ये सारी सब्जियाँ सब हो गई हैं तो इनको गलाने में नमक हेल्प करता है, टमाटर वगैरह सब सॉफ्ट हो जाएंगे उस नमक से। देखिए हाफ चम्मच में और नमक डाल रही हूँ, टोफू में भी हल्का सा अपना टेस्ट होता है नमक का, तो इस बात का ध्यान रखें नमक में डालते समय कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब मैं इस सब्जी को ढक देती हूँ, ये टमाटर अपना जूस छोड़ेगा, उससे ये सारे में थोड़ा सा जूसी हो जाएगा, जलेगा नहीं। मतलब अभी मैंने इसमें पानी कुछ ऐड नहीं किया है, अभी मैं इसको चेक करूँगी कि पानी की जरूरत उसमें है या नहीं है। देखिए अब हम चेक करते हैं कि सब्जी कितनी हमारी सॉफ्ट हो गई है और इसमें पानी डालने की जरूरत है या नहीं है। देखिए अगर मैं इस सब्जी को ऐसे ही रखूँ तो मिक्स वेज की तरह ऐसी बढ़िया सब्जी तैयार हो गई है और सारी सॉफ्ट भी हो गई है, दिख रही है कि वो सॉफ्ट हो गई है। मैं फिर भी एक बार चेक करती हूँ दबा के, हाँ मटर भी गल गई है और ये तो सब बाकी तो सब गली गई है। देखिए ये टोफू ऐसा हमारा ब्राउन हुआ है, मैंने अब उसमें टोफू को डाल दिया। ये टोफू की सब्जी बहुत हेल्दी तैयार हो गई, देखिए वाह कितनी बढ़िया सब्जी दिख रही है। मैंने डाल दिया इसमें हाफ चम्मच का सब्जी मसाला और इसको मिक्स करके इसको ढक दिया है। अब ये सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गई है, फर्स्ट क्लास सब्जी बनी है। देते हैं बंद। अब हम इसको ऐसे ही थोड़ी सी स्टीम में होने देते हैं, ये बाकी हमें अभी हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, ये देखिए। अब हम इसको ये सब्जी कहें या स्नैक्स में, हम इसको सब्जियां भी हैं इसके अंदर और टोफू भी है इसके अंदर, तो अब हम इसको ऐसे इवनिंग के स्नैक्स में भी खा सकते हैं इसको, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये टोफू बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है इस तरीके से बनाने से, और इसको हम ऐसे ही स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। और अगर आप खाने के साथ में सब्जी दाल के साथ में सर्व करना चाहते हैं उसके साथ कुछ सूखा, तो तब भी आप इसको खा सकते हैं, उस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। ये सब स्नैक्स की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं किसी टाइम। देखिए इसको अगर हम ऐसे खाएंगे ना इवनिंग में तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको सब्जी के बजाय। ये अंदर ना बढ़िया बनी है ये दोस्तों। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, तो आप मेरे को मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।